विश्राम गृह करेरा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पत्रकार उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष सेवार्थ पाठशाला समूह ग्वालियर ओम प्रकाश दीक्षित के द्वारा बताया गया कि सेवार्थ जन कल्याण समिति ग्वालियर व रत्न ज्योति नेत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में करेरा नगर के अनाज मंडी प्रांगण में 12 फरवरी को सुबह 9 से 1 बजे के बीच नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आंखों में होने वाली बीमारियों का परीक्षण कर परामर्श दिया जाएगा। मोतियाबिंद से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन के लिए मरीजों का चयन किया जाएगा और मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों का परीक्षण के उपरांत उसी दिवस बस के द्वारा रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर के लिए प्रस्थान होगा। अगले दिवस चयनित मरीजों का मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया जाएगा। इसके बाद अगले दिवस 14 फरवरी को दोपहर में इनको बस के द्वारा ही अपने गंतव्य पर भेज दिया जाएगा। नेत्र शिविर में नेत्र परीक्षण परामर्श व मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन निःशुल्क होगा। शिविर में चयनित मरीजों को मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए आना जाना, ठहरने की सुविधा, भोजन की सुविधा, दवाएं, काला चश्मे की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी व मोबाइल नंबर अवश्य साथ में लाएं। सभी से अनुरोध है कि शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लाभार्थी बने। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो प्रारंभ किया है, संवेदनशील जिला प्रशासन, संभाग ग्वालियर के अन्य पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पत्रकारों में इस कार्यक्रम को एक नव संचार, नव ऊर्जा प्रदान की है। इसके परिणाम स्वरूप इसकी आज वर्तमान में लगभग 15 शाखाएं बद्र चंबल संभाग में संचालित हैं। एक शाखा करेरा में भी संचालित है। स्थानीय हरसिंगी के शिक्षक श्री राय साहब, श्री मुरारी राय, जो कि वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर में, सॉरी शिवपुरी में आईटी का काम देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम देखते हैं, हमारे स्थानीय संचालक हैं। लगभग 50 बच्चे विगत 3 वर्ष से निःशुल्क शिक्षा का अर्जन कर रहे हैं। पाठशाला का मुख्य उद्देश्य था कोरोना अवधि में हुए अधिगम अंतराल लर्निंग गैप को फुलफिल करना। लर्निंग गैप से आशा है जो बच्चा मान लीजिए कक्षा 4 में है तो उसमें जो बुनियादी शिक्षा होती है, अंक ज्ञान है और अक्षर ज्ञान है, उस उम्र और उसके मानसिक स्तर के अनुसार अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे क्योंकि स्कूल बंद थे। इस लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए हम लोगों ने पाठशालाएँ प्रारंभ की थी। प्रसन्नता है कि सकारात्मक समाज ने, स्वस्थ चिंतन ने हमें बहुत मदद की है और वर्तमान में लगभग 1000 बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। बच्चों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के उद्देश्य से ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, जैसे ग्वालियर किला है, ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत विस्तार से कुछ पुरातात्विक स्थल हैं, उन स्थलों का भ्रमण, निःशुल्क बस के द्वारा आना जाना, गाइड की व्यवस्था, बच्चों को देश के लिए ग्वालियर किला इत्यादि विभिन्न स्थलों पर हम लोगों ने भ्रमण भी करवाए हैं। बच्चों को खेल के माध्यम से भी विकसित करने का कार्य हुआ है। और प्रसन्नता है कि हमारे बीच में विधायक जनप्रतिनिधि और पत्रकार, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ श्री बिलैया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका और उसके अलावा प्रेस, ये 4 स्तंभ होते हैं जो किसी प्रजातंत्र राष्ट्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। विधायिका से प्रतिनिधि आदरणीय श्री करागीला जी और पत्रकारिता से प्रतिनिधि संजय बिलैया जी और भी पत्रकार कर्मी बैठे हुए हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि 12 फरवरी को प्रातः 9 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक जो हमारा